वेलकम टू डब्ल्यू टी चैनल। आज एक नॉलेजेबल वीडियो दिखाऊंगा वाटर प्यूरीफायर का, जो पी फिल्टर में यूज होता है। बिग ब्लू 20 इंची 10 इंची, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। इसका मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर, इसका साइज एंड कैसे ओपन करेगी, कैसे आप कार्टेज इंस्टॉल करेगी एंड इसका प्राइस, द वाटर क्वालिटी सब दिखाऊंगा। वीडियो आप इन तक देखिए तब आपको बिग ब्लू एंड 20 इंची हाउसिंग के बारे में टोटल डाउट क्लियर करूंगा। ये 20 इंची नॉर्मल हाउसिंग है, इसको यूज़ करेगी तो आपको एडवांटेज मिलेगी। ये लीकेज का संभावना कम होता है, ये गैसकेट बहुत अच्छा तरफ होता है। ये बिग ब्लू है 20 इंची का, ये हाउसिंग मोटा होता है, वेट वेट होता है, ये हैवी ड्यूटी के लिए इसका रहता है। इसको ओरिंग ठीक से नहीं लगाएगा तो वो लीकेज हो जाएगा संभावना है। पहले आपका ओरिंग देखने पड़ेगा, ओरिंग कैसे है, डबल ओरिंग होता है, सिंगल ओरिंग होता है। ये हाउसिंग में आप कूलर्स के पास इंस्टॉल कर सकते हैं एंड टैंक फिल्टर में यूज कर सकते हैं। ये आपका 100 लीटर वाटर प्यूरीफायर, 100 लीटर आर वाटर प्यूरीफायर में इंस्टॉल होता है। बिग ब्लू हाउसिंग इंस्टॉल होता है एंड नॉर्मल हाउसिंग इंस्टॉल होता है। हेलो, आप यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ये नॉर्मल हाउसिंग है, ये हाउसिंग 20 इंची का, ये आप कौन कटेज करेगी इसके बताऊँगा। ये CTO होता है, मैक्सिमम CTO GAC 20 इंची का एंड स्पन फिल्टर होता है। आप GAC कर सकते हो एंड स्पन फिल्टर कर सकते हो। स्पन फिल्टर इसका मैंने पहले देखने चाहिए वो फिट ठीक से होता है कि नहीं, पानी लीक हो जाएगा तो आपका कोई काम नहीं करेगा। ये डबल ओरिंग है, इसको ये हाउसिंग में नहीं लीक होगा एंड आप इसी में ओपन कर सकते हो। ओपन करने के लिए आप घोड़ी काटा यदि होता है, यदि घुराएगा तो आप खुल जाएगा, घोड़ी काटा अपोजिट में घुराएगा तो टाइट हो जाएगा। इसको जो नॉजल होता है उसको आप टैबलेट के थ्रू टाइट कर सकते हो, नाली कैसे जाएगा। एक ओरिंग है, ग्रीन टाइप ओरिंग होता है, आप ये देख के लगेगा, ओरिंग जान नष्ट हो जाएगा तो लीक हो जाएगा। आप थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।